अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक का 1000 किलोमीटर पूरा हो चुका है, तो आज फर्स्ट चेकअप है बाइक का। इससे पहले 500 किलोमीटर पर मैंने इसका फर्स्ट ऑयल चेंज किया था और अब पूरे 1000 हो गए हैं, तो आज इसका फर्स्ट चेकअप होगा और सेकेंड ऑयल चेंज होगा। और अब आज के बाद जितनी दफ़ा भी ऑयल चेंज होगा, वैसे तो नॉर्मली 1000 के बाद ही चेंज करते हैं लोग, लेकिन मैं शायद 1000 पूरा ना चलाऊँ, 800 किलोमीटर बाद ही इसका ऑयल में ड्रेन किया करूँगा, जो मेरी प्लानिंग है। तो ये फर्स्ट कोपेन है हमारा, क्योंकि बाइक वारंटी में, तो इसके 3 कोपेन होते हैं। आज पहला कोपेन हम इसका यूज़ करेंगे, और जो इसका यूज़र मैनुअल है उस पर कंपनी कहती है कि पहला चेकअप 1000 पे, दूसरा 4000 पे और तीसरा 8000 पे। तो खैर ज़रूरी नहीं है, इस सीक्वेंस को फॉलो करना, जैसे आपको सूटेबल लगे उस तरह करवा लें। तो अच्छा, आज जो इसका फर्स्ट चेकअप है, इसके अंदर इसके नट बोल्ट टाइट होंगे, इसकी चेन एडजस्ट होगी, टैपेट की सेटिंग होगी और एयर फिल्टर क्लीन होगा। तो ये कुछ छोटे मोटे काम है, बाकी कार्बेटर में कोई सेटिंग इसकी जो है नहीं होनी, ये मैंने कंफर्म कर लिया मैकेनिक से। तो इस वक्त मैं यहाँ किकिंग आउट हाउस में मौजूद हूँ, ये सदर में लकी स्टार के पास है, तो यहाँ पे काम करवाने आया हूँ मैं, और आगे भी इंशाल्लाह यहीं से ही काम करवाएंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त यहाँ से बाइक ट्यून करवाते हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे ये नवीद मैकेनिक होते हैं हमारे, माशाल्लाह काफ़ी इनकी तारीफ़ सुनी है। तो खैर मेरा तो फर्स्ट चेकअप है बाइक का, तो इसमें सच कोई ऐसा काम है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर पता चलता रहेगा कि किस तरीके का यहाँ पर काम होता है। तो ये कुछ अपडेट थी बाइक के हवाले से, सोचा आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के शेयर कर दें। तो अब इसकी राइड करूंगा, तो फिर मुझे पता चलेगा कि जो ये फर्स्ट चेकअप हुआ है इसके बाद राइड में कितना फ़र्क आता है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको जब राइड करूंगा तो वो मैं आप इसकी अपडेट आपको दूंगा। इस वीडियो को फिर यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये 1000 किलोमीटर का इतना गंदा हुआ है, सही है, माइनर गंदा हुआ है। अभी ऑयल की भी बनानी है ना, ऑयल 500 किलोमीटर पहले, 500 में तो बिल्कुल नया निकला था, आप देख दें कितना मैला निकलता है। हाँ डाल लो, हाँ मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी लोग ये कहते यार मैकेनिक के काम आ गया होगा, मैंने कहा तो भाई कहीं ना कहीं डाल दिया होगा, उसे डालते नहीं है हाँ सर्विस उसमें यूज रहता है, हाँ तो पार्टिकल्स होते हैं ना अंदर, ये भाई ऑयल भी पूरा है माशाल्लाह से, तवारी वतारी ऑयल पूरा है। हज़ार आराम से चला सकते हैं इस ऑयल को, जो कंडीशन निकल ली है ना 500 हज़ार का भी हज़ार का आराम। ये भाई होंडा का 10W30 ये ऑयल डल रहा है हमारी बाइक में, और यही हम इंशाल्लाह पहले भी यही करवाया था और आगे भी यही कराते रहेंगे, बेहतरीन ऑयल है, ठीक है। 1000 किलोमीटर का इंटरवल है बस इसके ऊपर, हाँ वो तो 20 और कराऊँगा।